This video is sponsored by QuickBuzz Lite. I know guys, you are a cricket lover and if you want every updates about cricket then download this app and get all the updates about cricket. स्पोर्ट्स सही नमे स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में Nike Phantom VSN फुटबॉल शूज के अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका जो क्वालिटी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो स्पेशल एडिशन फुटबॉल बूट्स है Nike Phantom VSN, ये कौन से प्लेयर के लिए बनाए गए थे और कौन से साल में बनाए गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर आपको अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि ये फुटबॉल बूट्स किसके लिए बनाए गए थे। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो पैकेज जो कि आया था फ्लिपकार्ट से। जैसा कि आप लोग देख रहे हो सील उतना अच्छा नहीं था इस पैकेज का, मतलब पहले से ही फटा फुटा है पैकेज। और दोस्तों ये रहा वो मतलब चीज़ जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, वो नाइकी बॉक्स जो आया है सीधा nike.com से। तो पैकेज को आप देख ही सकते हो उतना अच्छा नहीं है, मतलब पहले से ही फट गया है इधर उधर से। और ये रहा दोस्तों वो मतलब जिसके लिए मैं अब तक वेट कर रहा था। ओहो दोस्तों देखिए इसका कलर, मतलब हाथ में ही लेके ऐसा फील आ रहा है तो मतलब पहन के खेलने में कैसा फील आएगा। एक और दोस्तों देखिए, ओहो इसका शेप देखिए, मतलब नाइकी जो ब्रांड है उसके बारे में तो आप सोचिए दोस्तों, मतलब हाथ में ही लेके इतना अच्छा लग रहा है तो जब हम इसे पहन के ग्राउंड में जाके खेलेंगे तो कैसा फील आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे पास अभी है Nike Phantom VSN फुटबॉल बूट्स। ये मैंने एक सवाल पूछा था दोस्तों आप लोगों से कि ये फुटबॉल बूट्स किसके लिए स्पेशली बनाए गए थे और किस साल बनाए गए थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता है इसका जवाब तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। और बाकी सब कुछ जो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, इसका जो स्पाइक्स है दोस्तों, इसका स्पाइक जो है लाजवाब है, मतलब स्पाइक तो लाजवाब है लेकिन इसका जो यूसेज है वो आपको स्पेसिफिक ग्राउंड में ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों इसका स्पाइक्स का जो साइज है उतना बड़ा नहीं है, मतलब आपको अगर इस फुटबॉल बूट से खेलना है तो आपको ऐसा ग्राउंड पे जाना पड़ेगा जहाँ का जो ग्रास है बहुत छोटा छोटा है। अगर आप ऐसा ग्राउंड में जाएंगे जहाँ मतलब ग्रास बहुत बड़ा है तो दोस्तों उस ग्राउंड में आपको इस बूट से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, मतलब इसका जो स्पाइक्स है वो छोटे ग्रास वाले ग्राउंड में आपको बहुत इफेक्टिव लगेंगे। और जो इसका जो लेदर क्वालिटी है, मतलब इसका जो लेदर क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए कुछ डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है जो आपको बॉल के साथ ग्रिपिंग करने में आपको हेल्प करेगी। दोस्तों इसके बाद मतलब इसका जो लेस है वो रेगुलर लेस है, मतलब ज़्यादातर बूट्स में ऐसा ही लेस हमें मिलता है। अगर ये ख़राब भी हो जाए तो ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर लेस जो है हमें पता है कि कहाँ पे मिलता है और कहाँ पे नहीं मिलता। और दोस्तों इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है मतलब लाजवाब है, इसका कलर जो है लाजवाब है। अगर आप इस बूट को पहन के अंधेरे में भी खेलोगे तो फिर ये जो दर्शक होता है उसका अटेंशन अपने तरफ खींच लेगा। तो कलर के बारे में तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। और इसका जो लोगो है, जो मतलब ट्रेडमार्क जो लोगो है, इसका लोगो तो लाजवाब है, मतलब ये लोगो शायद अगर आप घिसेंगे भी तो फिर भी ये लोगो तो नहीं निकलेगा। इसके बाद इसके सोल के नीचे भी एक लोगो है जो आप लोग देख रहे हो। तो मतलब ओवरऑल क्वालिटी ये बूट का जो मैं अभी तक देख रहा हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन इसका क्वालिटी जो है मतलब अच्छी तरह से जानने के लिए इसके साथ मुझे खेलना पड़ेगा और उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि इसका एक्चुअल क्वालिटी कैसा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग अगर फुटबॉल अच्छी तरह से खेलना चाहते हो, आपका जो परफॉर्मेंस को मतलब इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ब्रांडेड बूट तो आपको हमेशा ही हेल्प करेगा आपको परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करने के लिए। गाइस एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो फुटबॉल बूट्स है इसको आप कैसे मेंटेन करोगे, मतलब फुटबॉलर्स जो होता है अपने फुटबॉल बूट्स को जो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ मतलब तरीका है। तो अगर आप लोग वो तरीका यूज़ करेंगे तो ये अच्छी तरह से मेंटेन होगा। हम लोग जानते हैं कि ये जो सोल है इस सोल को मतलब नरम करने के लिए हम लोग ज़्यादातर प्लेयर्स जो है हल्के गर्म पानी में इस सोल को भिगो देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब जो इस बारे में नहीं जानते वो लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो शूज़ है वो गर्म पानी में डुबो देते हैं और उससे क्या होता है सोल जो है वो नरम हो जाता है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो ख़राब हो जाता है क्योंकि ये पोर्शन जो है इलास्टिक टाइप का है। अगर इसमें आप गर्म पानी डालोगे तो ये बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा, जो कि बहुत
खराब बात है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप लोग इसे धो रहे हो या फिर गर्म पानी से इसका सोल जो है उसको और नरम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा ये जो पोर्शन है गर्म पानी में ना जाए। अगर ये गर्म पानी में चला जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, फिर आप लोगों को इसे पहनने में और इसके साथ खेलने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों ये था मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा टिप। तो दोस्तों मैं इसका जो प्राइस है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अगर आप लोग इस तरीके का कोई फुटबॉल बूट्स खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा 4,000 से 4,500 रुपये। तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो जाइए खरीदिए, उतना महंगा भी नहीं है और उतना सस्ता भी नहीं है। तो 4,500 में आप लोगों को ये फुटबॉल बूट्स कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू और क्वालिटीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको ये इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों को अगर जो मैंने सवाल पूछा था उसके बारे में कुछ आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये फुटबॉल बूट्स किसके लिए बनाए गए थे स्पेशली और कौन से साल में बनाए गए थे। तो दोस्तों ये था आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।